दिवाली की वाइब्रेंट फेस्टिवल जो है गुजिया और चंद्रकला के बिना अधूरी रहती है। हर घर में इस त्योहार में जो है चंद्रकला और गुजिया तो बनती ही है। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल चंद्रकला और गुजिया की रेसिपी को। हाय एवरीवन, नमस्ते सभी को। मैं हूँ नंदिता और आप सभी का स्वागत है नंदिता किचन में। मेरे और मेरी परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। रसीलेदार चंद्रकला के साथ में खस्ता और क्रिस्पी गुजिया, पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की दिवाली स्पेशल रेसिपी को। चंद्रकला और गुजिया बनाने के लिए एक बड़ी सी थाली ले लेंगे और उसमें हमें डाल देना है 500 ग्राम मैदा, एक छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच हमें इसमें डाल देना है बेकिंग पाउडर, मोयम के लिए हमें इसमें घी डालना है तो ढाई बड़े चम्मच हमें इसमें घी डाल देना है। घी जो है यहाँ पे आधा पिघला हुआ है, आप चाहे तो घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से जो है आपका चंद्रकला या फिर गुजिया जो है खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी। घी को अच्छी तरीके से मैदे में ऐसे रगड़ रगड़ के मिक्स कर दे और मैदे को जो है ऐसे बंद के चेक कर ले। अगर मैदा ऐसे बंद रहे, अब हमें यहाँ पे जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करना है और यहाँ पे जो है मैदे का एक डो बना लेना है। डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है। देखिए इस तरीके से आपको इसको जो है 5 से 6 मिनट के लिए लगातार गूंद लेना है। चपाती के लिए जैसे डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड गूंदना है आपको। डो को ऐसे ढक देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक गुजिया या फिर चंद्रकला के लिए स्टफिंग बना लेंगे। एक पैन में 1.5 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। घी जैसे ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा हमें इसमें आधा आधा कप करके बारीकी से कटे हुए बादाम और काजू डाल देना है। लो टू मीडियम फ्लेम में दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। जैसे ही बादाम और काजू अच्छे से भून जाएगा हमें इसमें डाल देना है आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। नारियल को भी हमें यहाँ पे धीमी आंच पे अच्छी तरीके से बादाम और काजू के साथ मिक्स करके फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो इसमें जो है सूजी भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमें इस स्टेज में डाल देना है मावा। मैं जो है यहाँ पे 300 ग्राम मावा ले लिया। ये जो है मार्केट वाली मावा है और ये जो है अनस्वीटेंड है। मावा को भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको जो है रोस्ट कर लेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ में। फ्लेवर के लिए 5 से 6 इलायची के दाने को अच्छी तरीके से क्रश करके फिर हमें इसमें डाल देना है और फिर इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इस स्टेज में गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हमें इस मावा वाली स्टफिंग को जो है एक अलग से बोल में निकाल के रख देना है। इस स्टफिंग को हमें अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तब तक हम यहाँ पे चाशनी बना लेंगे चंद्रकला के लिए। एक कढ़ाई में हमें डाल देना है 1 कप चीनी, साथ ही में 3/4 कप हमें इसमें पानी डाल देना है। गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेवर्स के लिए 5 से 6 इलायची के छिलके को डाल देंगे, साथ ही में 10 से 12 स्ट्रेंड्स हम केसर के डाल देंगे। गैस के फ्लेम को हाई करके हमें जो है यहाँ पे चीनी को अच्छे से पिघला लेना है। हमें यहाँ पे 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ चीनी को अच्छी तरीके से पिघला लेंगे। गैस के फ्लेम को बंद करके इसको जो है ऐसे साइड में रख देंगे। मावा की स्टफिंग अच्छे से ठंडा हो गई है, इसमें हम डाल देंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। आप इसको ठंडा होने के बाद ही डालें। अगर आप गर्म में चीनी डाल देंगे तो ये जो है पिघलना शुरू हो जाएगा और इसमें से जो है पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। चीनी के पाउडर को मावा की स्टफिंग में अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इसको यहाँ पे अलग रख देंगे। डो को हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से 1 से 2 बार गूंद लेना है और इस डो को जो है हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी लुई निकलेगी, इसको जो है ऐसे गोल शेप में दे के फिर हमें इसको जो है अच्छी तरीके से बेल लेना है। तो इसको पहले हथेलियों से ऐसे थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे और उसके ऊपर में बेलन चलाएंगे। जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे एक बड़ी सी रोटी बेल लेना है। थोड़ा सा मोटा रखें, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करें। कोई भी कटोरी का ढक्कन ले लें या फिर ग्लास से आप इसको जो है ऐसे कट कर देंगे तो एक रोटी से जो है हमारा यहाँ पे 4 ऐसे छोटी छोटी रोटियां बनके तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा डो को यहाँ पे निकाल देंगे और इसी छोटी छोटी पूड़ियों में जो है हमें स्टफिंग भर देना है। किनारे में थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इसके ऊपर में और एक पूड़ी रख के इसके एजेस को जो है अच्छी तरीके से सील कर देना है। आगे की प्रोसेस आप इस चंद्रकला स्पेशलिस्ट से जान ले। चंद्रकला बनाने के लिए रोटी वैसे गोल गोल पीसेस में काट लेंगे और उसके बाद उसको स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करने के लिए आप कार्बोनेट में ऐसे पानी लगा दें और फिर इसमें स्टफिंग को भर दे। ध्यान रहे कॉर्नर्स पे ना जाए, कॉर्नर्स पे जाने से सही से चिपकेगा नहीं और अगर चिपकेगा नहीं तो तलने के टाइम फूल जाएगा, तो उसको भी अवॉइड करने के लिए इसको अच्छे से दबा दे ताकि तेल कहीं से भी अंदर जाने ना पाए। अच्छे से दबाने के बाद फिर हम इसको
एक शेप देंगे जिसके लिए आपको बस इसको फोल्ड करना है, पिंच करना है, फिर से फोल्ड करना है, फिर से पिंच करना है। पिंच करते समय इसको अच्छे से दबाएं, नहीं तो शेप आएगा नहीं। हर एक फैमिली में कोई ना कोई तो परफेक्ट होता है, तो ये जो है एकदम मिस्टर परफेक्ट है जो कि सब कुछ ही बना लेते हैं। गुजिया या फिर चंद्रकला जो है नॉर्थ इंडिया में काफ़ी फेमस है, और मैं तो एक बंगाली हूँ, मुझे इतना अच्छे से बनाना तो आता नहीं है, तो मैं भी इनसे सीख ही रही हूँ। ऐसे आप जो है सारे चंद्रकला को बना ले, और मैं जो है टोटल 500 ग्राम मैदे से आधा चंद्रकला आधा जो है गुजिया बनाऊंगी। अभी हम यहाँ पे जो है गुजिया बना लेंगे, उसके लिए एक बड़ी सी पूड़ी रोल कर देंगे, और उसके बाद इस पूड़ी को जो है साचा के ऊपर ऐसे रख देंगे, और उसके ऊपर में हमें डाल देना है स्टफिंग। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरे, नहीं तो ये जो है बाहर खुल के निकल आएगा। किनारे में थोड़ा सा पानी अप्लाई करके हमें जो है इसको अच्छी तरीके से बंद कर देना है, और ये आपका गुजिया जो है बनके तैयार हो गया है। साँचे से जो है बहुत ही इजी तरीके से आपकी गुजिया बनके तैयार हो जाती है। तो घर पे जो है और भी मेंबर है, तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं इस गुजिया बनाने के प्रोसेस में, क्योंकि ये जो है काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। तो गुजिया और चंद्रकला तो यहाँ पर बन गया है, अब हमें इसको जो है फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। गुजिया या फिर चंद्रकला बनाते टाइम एक बात का ध्यान रहे, गैस के फ्लेम को एकदम लो पे रख के, तेल के टेम्परेचर को लो पे रख के ही हमें गुजिया या फिर चंद्रकला को अच्छे से फ्राई कर लेना है। पहले मैं तो यहाँ पे चंद्रकला को फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही चंद्रकला का कलर अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगा, हमें इसको तुरंत ही निकाल के चाशनी में डाल देना है। एक बात का ध्यान रहे, चाशनी जो है हल्का सा गर्म होना चाहिए। अगर आपकी चाशनी ठंडा हो गई है, आप जो है इसको थोड़ा सा गर्म कर ले, उसके बाद ही आप इसमें चंद्रकला को डाल दे। 5 से 7 मिनट के लिए चाशनी में रखना है, और उसके बाद ही इसको निकाल देना है। चंद्रकला फ्राई हो गया है, अभी हमें लो फ्लेम में गुजिया को भी तल लेना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम में तलेंगे, इसके ऊपर में जो है बबल बबल आ जाएगी, और ये जो है दिखने में नहीं अच्छा लगेगा। तो पेशेंस के साथ आप दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पका ले। तो गुजिया यहाँ पे अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, इसको भी छान के हमें यहाँ पे एक बर्तन में निकाल देना है। गुजिया जो है ऐसे ड्राई रहेगी, उसको चाशनी में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा परफेक्ट दिवाली स्पेशल गुजिया और चंद्रकला जो है बन के तैयार हो गया है। आप इस दिवाली में जो है इस चंद्रकला और गुजिया की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप चंद्रकला और गुजिया को जो है एयर टाइट जार में रख के कम से कम 1 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रखने की एकदम ज़रूरत नहीं है। आप इस दिवाली जो है अपने लव्ड वंस के लिए इसको बना के भेज भी सकते हैं, वो जो है काफ़ी खुश हो जाएंगे। ये गुजिया और चंद्रकला काफ़ी खस्ता और क्रिस्पी बनती है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, जय हिंद।